video, चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, हमारी नई और वीडियो देखने के लिए। दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था कि मैं अपना एक नया चैनल स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है वेस्टीज एग्जाम, वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया है और लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस चैनल पर जाकर के इसको ओपन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहां पर हर सोमवार सुबह 10 बजे आपको मिलेगा एक नया एग्जाम पेपर जिसको आप सॉल्व करके अपने नॉलेज को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप इस समय जुड़े हुए हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अपने चैनल पर। दोस्तों आज मैं बहुत सारे जो लोग हैं हमारे आसपास रहते हैं, किसान भाई रहते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को एग्री पैसी के बारे में बताया, एग्री भूमि के बारे में बताया, बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल भी किया। आज मैं आपको एक और रिजल्ट दिखाने वाला हूं कि हमने जिन किसान भाइयों को, जिन लोगों को इस्तेमाल कराए थे, उनमें से आज हमारे पास एक रिजल्ट और भी है। आज इस समय हम जहां मौजूद हैं वो एक जैसलमेर के पास एक जगह है जिसका नाम है मौलाना, वहां पे हमारे एक साथ हैं मिस्टर स्वरूप सिंह सोडा जी। तो इन्होंने अपने खेत के अंदर एग्री ब्यासी और एग्री ह्यूमिक का जो दो प्रोडक्ट अपने पास आते हैं इसको लगाया, और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि इन्होंने क्या रिजल्ट महसूस किया, क्या सर आपने रिजल्ट महसूस किया एग्री ब्यासी लगा करके? बचत हो गई मेरी, पानी की बचत हो गई, खाद लगती थी उसकी बचत हो गई, वो कम डाली और मैंने ऑर्गेनिक भी डाली थी जिससे फसल बढ़िया हुई। पहले आप जब एग्री वैसे नहीं लगाते थे तो उससे पहले आप कितनी खाद डालते थे इसमें? इसमें 5-7 एग्री वैसे मिलाकर के आपने फिर क्या महसूस किया, कितनी कम कट्टे डाले हैं? केवल 3 कट्टे डाले हैं, और पहले कितना डालते थे? कम से कम, तो कम से कम 7 कट्टे की आपकी पूरी की पूरी बचत हो गई। और पहले और रासायनिक खाद वाली डीएपी डालते थे, वो आती थी 1500 रुपए की। अच्छा। अब हमने इसमें डाली है ऑर्गेनिक, जो ऑर्गेनिक आती है, रासायनिक मैंने डाला ही नहीं, ऑर्गेनिक खाद का आपने इस्तेमाल किया इसके अंदर। तो एग्री ब्यासी लगाने के बाद एग्री ब्यासी ये दिखाओ सर, ये जो देखो देखो दोस्तों, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इतने सारे जो डिब्बे पड़े हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। लोग कहते हैं कि एक बार दो बार हम इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पे ये इन्होंने जब भी इनको जरूरत पड़ी तब इन्होंने इसको इस्तेमाल किया है। एग्री ब्यासी है और एग्री ह्यूमिक है, ये जो दो प्रोडक्ट है ये बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, क्योंकि ये हमारी लागत को तो कम करते ही करते हैं, लेकिन हमारी जो फसल इस समय आप जो देख रहे हो ना, इसको पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो आप कितना संतुष्ट हैं इससे? बहुत संतुष्ट हैं। तो जितने भी किसान लोग हैं उनसे भी आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा किसान मिलेंगे इसके बारे में, वो भी इस्तेमाल करें इसके बारे में। तो एक चीज और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे ये जो फसल है, ठीक है दोस्तों, ये मूंगफली की फसल है इस समय, ठीक है, और इस समय बहुत सारी जो मूंगफली की फसल है अभी तक एक महीना इसके थोड़ा पास दिखाइए, कितना टाइम हो गया इसको? इसको तो हो गया 3 महीना। 3 महीना हो गया दोस्तों, अभी इसमें कम से कम 1.5 महीना बाकी है जिससे कि ये अभी मूंगफली की फसल पूरी तरीके से पकने वाली है। आप यहाँ इसमें देख सकते हैं कि किस तरीके से इसके अंदर मूंगफली को ग्रोथ हो रही है। ये केवल एक पौधा है दोस्तों, और इसकी जड़ों में कितनी ज्यादा मजबूती है ये आप ये देखिए। ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट हम आप लोगों को इसलिए दिखाते हैं ताकि आप भी, अगर आप पहली बार इस चीज को देख रहे हैं, तो आप भी अपनी किसी भी फसल में इस चीज को इस्तेमाल कर सकें। ये मूंगफली आई हुई है और एक सारी की सारी ये मूंगफली है लगभग समान आकार में है, अभी तो ये ग्रोथ हो रही है इसकी धीरे धीरे, और जैसे ये पूरी पक के तैयार हो जाएगी, 1.5 महीना बाकी है अभी तो, और 1.5 महीने के बाद में ये सारी की सारी मूंगफली होंगी बिल्कुल एक जैसी और समान आकार में आपको दिखाई देंगी। तो उसको देख करके आपको क्या लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है सर आपको? हाँ। तो अगर हम बहुत सारे लोग भी, आपके यहाँ मूंगफली की खेती ज्यादा होती है? हाँ, मूंगफली ज्यादा होती है, है ना? तो
मूंगफली की जो खेती ज्यादा होती है, तो आप उनमें लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं कि वो भी इस चीज का इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को सजेस्ट भी करिए, क्योंकि एक चीज मैंने बीज उपचार में बायोफंगिसाइड लगाया था। अच्छा दोस्तों, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि सर ने बायोफंगिसाइड भी लगाया था। अगर हम बीज उपचार में करते हैं तो हमारी जो जड़ें होती हैं, ठीक है ना, ये जो जड़ें होती हैं, ये आपकी गलती भी नहीं है और ये बहुत तेजी से ग्रोथ करती हैं और ये काफी मजबूत भी हैं। ये तो काफी बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये तो। और आप किसान भाइयों से कुछ कहना चाहेंगे? और ये मैंने और मैंने दूसरी फसल में भी डाले रखे, स्प्रे किया है। एक बार यहाँ पे दिखाई दोस्तों, ये जो आप फसल देख रहे हैं पूरी तरीके से हरी भरी फसल है यहाँ पे ये। और अगर हम हर एक पौधे को उखाड़ के देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ये पूरी की पूरी इनका जो एरिया है, ये पूरा का पूरा मूंगफली से है। पूरी की पूरी एरिया मूंगफली की खेती है इसके अंदर। पूरा ऑर्गेनिक खाद डाला है, पूरा ऑर्गेनिक खाद डाला हुआ है सर ने यहाँ पे। तो इसमें आपने जो एग्री बैसी इस्तेमाल किया था वो किस तरीके से इस्तेमाल किया था? मैंने दो कटे दिए थे डाल के, पहले डाले डेढ़ महीने बाद में, डेढ़ महीने बाद में, और उससे पहले मैंने खाद दी थी उसमें एग्री बैसी मिक्स करवाया था। खाद में एग्री बैसी को मिक्स किया था डीएपी में, पहले जब ये मूंगफली सिंचाई नहीं की थी उससे पहले। और इसके बाद जो है आपने दूसरा तरीका अपनाया, केवल खाद में ही मिला के दिया था या किसी और के साथ दिया था? नहीं, खाद में मिला के दिया था। कोई स्प्रे वगैरह किया था? स्प्रे नहीं किया था, स्प्रे नहीं किया, नहीं, खाद में डाल के। और ह्यूमिक को आपने कैसे दिया था? ह्यूमिक को भी खाद में मिक्स कर दिया, तब भी आपको बहुत ही अंदर ही लगती है, इसके अंदर उसका असर चला जाता है। बाद में बारिश भी नहीं हुई इस साल, तो पानी कैसे लगाते हैं इसे? हम फव्वारा से लगाते हैं पानी, ये फव्वारा, ये लांच भी आ रही है। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे, ठीक है दोस्तों, आज मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक अपने फसल के अंदर कोई भी इस टाइप का प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, एग्री ह्यूमिक और एग्री ब्यासी, आज आपके पास बिल्कुल सही समय है। और हमारी दूसरी फसल भी स्टार्ट होने वाली है, बहुत से एरिया में गेहूं की फसल स्टार्ट होने वाली है, जीरे की फसल स्टार्ट होने वाली है, और भी कई कई जगह सरसों की भी फसल स्टार्ट होने वाली है। आप इन दोनों प्रोडक्टों का जरूर इस्तेमाल करिए। ये जो दोनों उत्पाद हैं, दोनों प्रोडक्ट हैं, आप इनका बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो फसल में जो जहरीली चीजें लगातार लग रही हैं उनके असर को भी ये खत्म करती है। तो अगर आपके आसपास ऐसे किसान लोग हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अगर आप भी अगर ऐसे किसान हैं जो अभी तक आपने इस टाइप का कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप इसको एक बार जरूर अपने फसल के अंदर इस्तेमाल करिए। और इसको खरीदने के लिए एक रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी होता है, जिससे कि ये प्रोडक्ट आपको आपके पास के वेस्टीज के सेंटर से मिल सके। क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिलता है और आसानी से ये प्रोडक्ट आप अपने पास के सेंटर से ले सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप हमारे इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, विश यू वेल।